टी आई डबल एल टिल या अनटिल। क्या फर्क होता है टिल और अनटिल में? टिल और अनटिल का मतलब यह होता है, जैसे मैंने आपको यह कहा कि डोंट ओपन द सील ऑफ द बुकलेट, जो बुकलेट आपको दी गई है उसकी सील को आप तब तक न खोलें अनटिल यू आर टोल्ड टू डू सो, जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए न कहा जाए। तब तक न खोलें जब तक कि ऐसा न करने के लिए कहा जाए, इसका मतलब होता है कि अनटिल का मतलब होता है तब तक जब तक, लेकिन इसमें नोट भी छिपा हुआ है, तब तक नहीं जब तक, और अगर अकेला टिल आया है तो इसमें नोट छिपा हुआ नहीं है। मैं समझाना चाहता हूं कि सेंटेंस के जिस पार्ट में अनटिल का प्रयोग हुआ है उसमें नोट का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, दूसरे वाले पार्ट में हो सकता है। एक ही सेंटेंस में अनटिल का अगर प्रयोग हुआ तो जिस पार्ट में या जिस क्लोज में अनटिल का प्रयोग हुआ उसमें नोट कभी नहीं आ सकता, यह अलग बात है कि दूसरे वाले में आ सकता है। जैसे अभी आया डोंट, नोट तो आ रहा है लेकिन इस पार्ट में आ रहा डोंट ओपन द सील ऑफ द बुकलेट, अब शुरू हो रहा अनटिल, इसमें नोट नहीं आ रहा। अनटिल यू आर टोल्ड टू डू सो, अगर मैंने आपको यह कह दिया कि अनटिल यू आर नॉट टोल्ड टू डू सो तो मैंने गलत कह दिया, नोट हटेगा। अनटिल वाले पार्ट में नोट नहीं आ सकता क्योंकि अनटिल में नोट छिपा हुआ है, अनटिल एक प्रकार का सेमी नेगेटिव वर्ड। ओके, तो मैं टिल और अनटिल की बात बता रहा हूं, ये समझे कि अनटिल वाले में नोट नहीं आ सकता, टिल वाले में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। टिल वाले पार्ट में नोट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन अनटिल वाले में नोट कभी नहीं आ सकता। ओके, जैसे मैंने आपको कहा मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक कि आप नहीं आते, सेंटेंस बोल रहा हूं कि जब तक आप नहीं आते तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं इंग्लिश में कह रहा हूं कि आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, वेट के बाद हमेशा बच्चों फॉर आता है, ऑफ कभी नहीं आता। आई विल वेट ऑफ यू ऐसा नहीं हो सकता, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा।